मानुषी संवाद में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ मानुषी संवाद। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड राहुल दीवान। आप सब जानते हैं संगम टॉक्स चलाते हैं बहुत सालों से। ही इज इन सम वेज अ पायनियर इन दिस ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म। तो राहुल जी वेलकम, ग्लैड दैट यू जॉइनिंग ऑन दिस very important theme, forces behind choking of Hindu voices. अब किसने सोचा था राहुल कि हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी के 8 साल पावर होने के बावजूद हमको 2022 में घुटन ही नहीं महसूस होने लगेगी कि हमारी जैसे गले दबाए जा रहे, हमें क्रश किया जा रहा है, हमारी आवाजों को रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। कभी आपके दिमाग में 2014 में या उससे पहले कभी इस दिन की कल्पना भी थी? मैम हम आवाज आ रही है मेरी ठीक से? हाँ बिल्कुल आ रही है। ठीक है। एक्चुअली 2014 के बाद होप ये था कि अब बदलाव होगा और शायद ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो अभी हालत है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पहले इसकी हालत में। मतलब कॉन्स्टेंटली जस्टिफाई करते रहते हैं हम अपनी सारी पोजीशन को, हमारे पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, फ्रेंड्स के साथ बैठो, अभी बैठा था पिछले वीकेंड पे, फ्रेंड्स के घर गए थे कहीं पर गुड़गांव में, और बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई कि जी हम ना लोग लिव एंड लेट लिव में बिलीव नहीं करते हैं। मतलब थोड़ा सा दिमाग मेरा ना ठनक जाता है ये सब सुनकर, और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम मैडम, ऐसा मधु जी ना चलते रहता है कई सालों से। जब भी हिंदू धर्म की बीजेपी की बात आएगी तो इट विल ऑलवेज बी अबाउट कॉम्युनलिज्म अटैच्ड हाइफनेटेड विद बीजेपी, कॉम्युनलिज्म अटैच्ड विद एनीथिंग कॉल्ड हिंदू, ये हाइफनेट हो चुका है। और ये हाइफनेट किसने किया है, यही मेरी एक थोड़ी सी स्टोरी बताने की चेष्टा आज की आपको इसी तरह की है। मैं कुछ और स्क्रीनशॉट्स आशीष को फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि अपनी स्टोरी थोड़ी सी ट्वीट्स के माध्यम से मैं इससे पहले कि हम ट्वीट्स देखें राहुल, एक बात मैं कहना चाहूंगी एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री सोशल साइंसेस। अगर आप कॉम्युनलिज्म का, इवन एज अ जर्नलिस्ट आई वुड से, कॉम्युनलिज्म का डिक्शनरी मीनिंग देखें या इसका एप्लीकेशन इन डिफरेंट सोसाइटीज, तो कॉम्युनलिज्म का है कि समबडी हु टेक्स केयर ऑफ देयर फोकसेस एंड अपहोल्ड देयर कम्युनिटी इंटरेस्ट। यानी दुनिया के किसी हिस्से में कॉम्युनलिज्म नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं रखता, सबसे पहली ये बात। बट ये हमारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की गजब क्या बोलेंगे धुरंधारी है। एंड आई रिमेम्बर जब मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट थी JNU में, तो बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते थे, उनका हर तीसरा, पहले क्लास स्ट्रगल हुआ करती थी, हर चौथे सेंटेंस में क्लास स्ट्रगल, पर उनका हर चौथा सेंटेंस कम्युनल फोर्सेस। एंड दैट्स व्हेन आई फर्स्ट सेड कि कम्युनल फोर्सेस व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। एंड इस पे मैंने लिखा भी कि केवल भारत में वो शब्द कम्युनल शब्द, कम्युनलिज्म इज अ नेगेटिव टर्म एंड एसोसिएटेड आल्सो in not just in a negative manner to mean authoritarian, intolerant, apna hit nahi, dusre ka nuksan, dusre ke saath dushmani, aise samaj pe lagai jati hai jisne sabko khule baahon se embrace kiya, hamlavaron ko bhi apna banane ka prayas kiya, aur hindu muslim bhai bhai, ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध सब बराबर हैं, सब धर्म बराबर है, हम एक ही ईश्वर की संतान है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये
जिन्होंने सबसे प्लूरल सोसाइटी बनाए रखी आज भी, उन पे ये चार्ज लगता है। तो मुझे लगता है एक तो ये कॉम्युनिज्म शब्द की बजाय हमें शायद इस वोकैबुलरी को रिवाइज करना पड़ेगा। और पॉसिबल नहीं है, मतलब सेक्युलर चर्च और उसका सेपरेशन था रिलीजन चर्च एंड स्टेट का, मगर आजकल सेक्युलरिज्म का मतलब ही कुछ और है। कम्युनलिज्म, दे हैव कम टू मीन अ सर्टेन थिंग। सो अब जो भी है, व्हाटएवर इज द वर्ड, आई थिंक वी हैव टू लिव विद इट एंड यू नो यूज इट इन आवर कॉन्टेक्स्ट, और उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ना आज का, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स प्रिपेयर करे हैं, आशीष अगर सुन रहे हैं आपके साथ तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, सॉरी लिंक्स भेजे हैं मैंने, वो अगर आप आशीष खोल लेंगे। और एक पहला लगा हुआ है स्क्रीन पे। हाँ जी, मैं बस एक सेकंड दे दीजिए मुझे, सारे सारे पार्टिसिपेंट्स को, लिसनर्स को क्षमा, थोड़ा मुझे स्क्रीन शेयर करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा समय ले लिया इसमें। आशीष एक मिनट आपको और भेज रहा हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट है, आज का ही किस्सा है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं मैम, मैंने जो अभी थोड़ी स्टोरी बनाने की कोशिश करी, आपको याद होगा मोहम्मद शामी के ऊपर वो अटैक हुआ था कि उसने, जब पाकिस्तान के साथ T20 का मैच था हमारा, तो उसके ऊपर अटैक हुआ था और विराट कोहली ने आकर खूब जोर से डिफेंड किया था कि अटैकिंग समवन ओवर रिलीजन इज मोस्ट पैथेटिक। और फिर इसी का नेक्स्ट हुआ था कि एकदम उसके बाद, अगर आप स्क्रीनशॉट दिखा पाए आशीष, तो क्या हुआ था, कुछ दो चार पांच या ऐसे कुछ दिनों में, एक आध हफ्ते के बीच में फासले में न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ, और उसमें क्या हुआ कि पूरा स्टेडियम खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया था शामी को। फिर न्यूज आइटम आया जिसमें पता चला था ये जो ट्वीट कैंपेन हुआ था शमी के खिलाफ, वो एक्चुअली इंडिया में ओरिजिनेट ही नहीं हो रहा था, वो ओरिजिनेट हो रहा था पाकिस्तान में, ठीक। मगर हुआ क्या, यहाँ पर ना जो मर्जी न्यूज आप फैला लें, सबका ऐसा लगता है एक एजेंडा सेट है। आशीष आप विष्णु सोम का ट्वीट खोलें, अगला जो नेक्स्ट सीक्वेंस में था, ये उससे करीबन 2 महीने बाद की बात है मैम, 1.5 या 2 महीने, 45 दिन या 2 महीने बीत चुके होंगे। उसने, शमी ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 5 विकेट पिक करी, और NDTV के विष्णु सोम बोलते हैं, आई एम कोटिंग हिम, शमी पिक्स अप 5 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, गेस ही इज नॉट अ पाकिस्तानी आफ्टर ऑल। मतलब सब डेटा आ चुका है, आपको पता है, बता दिया सारे हिंदू से, पूरे दुबई में सब स्टैंडिंग ओवेशन मिली है, ट्विटर पे मैसिव डिफेंस हुआ है, मगर उन्हें वो सबसे कोई, उस सबका कोई मतलब नहीं है, ऑल ऑफ दैट हैज बीन पुश्ड अवे, है ना, फॉरगॉटन। आप विष्णु सोम का ट्वीट खोलें अगर आशीष आपको, ये देखिए ये पूरी न्यूज रिपोर्ट थी, राइट, सब एक्सेप्टेबल नैरेटिव आ गया था कि दिस इज पाकिस्तान ड्रिवन हैंडल्स व्हिच हैव ट्राइड टू कॉज अ रिफ्ट इन द इंडियन सोसाइटी बाय कॉलिंग शमी अ पाकिस्तानी एंड ऑल ऑफ दैट बाय मिलाइनिंग हिम। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये सब मैं यही दिखाना चाह रहे थे आप, यही विष्णु सोम, देखिए NDTV का, है ना। अच्छा, अब इसके बाद ये सब स्टोरी मैंने क्यों बता रहा हूँ आशीष, इसके बाद का आप ट्वीट खोलिए प्लीज एक बारी, राधा रमन दास जी का, जो इस्कॉन के बड़े स्वामी है, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैसूर में बहुत बड़ा एक गैदरिंग हुई है कुछ ईद के बाद है या कुछ क्या है, मुझे कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है, मगर इसमें ना थोड़ा वीडियो है आशीष, वो भी प्ले कर दीजिएगा प्लीज, आई होप आवाज आएगी यहाँ पर। मजमा देखो भी हमारा गांव का, ये भी पाकिस्तान में छोटा कौन था बोले तो छोटा पाकिस्तान, ठीक है, नहीं रहा, थैंक यू, ऐसे रोक दीजिए वीडियो को, एक बार वीडियो रोक दीजिए। देखिए अब हमारे पे इल्जाम लगाया जाता है हिंदुओं पे कि अगर आप सब मुसलमानों को आप पाकिस्तानी बोलते हैं। अरे मैं मैम एक मधु जी किस्सा है, करीबन 20 साल पहले का, अलवर से
अजमेर जा रहे थे दिल्ली से, तो यू हैव टू पास बाय द एंटायर मेवात एरिया, करीबन 50 किलोमीटर का या शायद ज़्यादा एरिया है जहाँ पर मतलब यू बेयरली सी एनी हिंदूज ऑन द रोड, स्पेशली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, देयर इज नो टेम्पल्स, नथिंग, इट्स ओनली मॉस्क्स एंड मॉस्क, एंड दिस इज फ्रॉम 20 ईयर्स अगो. तो शाम का वक्त था एंड वॉट एवर सेड एंड डन मेरे पिताजी चला रहे थे एंड वी वर अ लिटिल नर्वस कि कैसे रहेगा. इसको एक मिनट बंद कर दीजिए आशीष, यू नो यू आर नर्वस पासिंग बाय यू नो एन एरिया व्हिच इज अनफेमिलियर और वट एवर एज. अब क्या हुआ, आगे पहुंचे तो पुलिस स्टेशन आया, हम रुके वहां पर कुछ बात करने, बैरियर लगाया हुआ था उन्होंने पूछने के लिए कहां जा रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट. सो वी आस्क्ड ये क्या रीजन है, फॉर मी इट वाज अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस, आई हैड नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट इन व्हेरेवर वी हैव ट्रैवल्ड, वी हैड ट्रैवल्ड. एंड ही सेड कि हाँ जी बिल्कुल, ये तो पूरा एक छोटा पाकिस्तान है यहाँ पर. अब हमारे पे ना एलिगेशन ऐसे लगाए जाते हैं कि आप लोग कोई भी मुस्लिम घेटो अगर होता है उसको आप छोटा पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान ये सब बोलते हैं, एंड शायद लोग बोलते हैं, मैं मानता हूँ, मगर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? ये जो आपको वीडियो दिखाया वहां पर मैसूर के मुसलमान खुद ही बोल रहे हैं कि हम छोटा पाकिस्तान है, ये बड़ी आयरोनिक बात है जी. हर जगह बोलते हैं, ओपनली खुले आम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम पे मेवात को भी बोलते हैं, खुद बोलते हैं मेवात में. तो ये मुझे ना बड़ी आयरोनिक बातें लगती हैं, बट ये मीडिया ये नहीं दिखाएगा जी, है ना, NDTV ये पिकअप नहीं करेगा. विष्णु सोम यहाँ पर उनको ब्लैकआउट हो जाता है कुछ, है ना. आगे चलते हैं मैम, एक स्वाति गोयल का नेक्स्ट थ्रेड है, आशीष प्लीज उसे खोल दीजिए. और ये नागराजू को जो भी जिसकी हत्या कर दी सड़क पे, उसकी पत्नी के सामने उसे मार दिया, चार लोगों ने अटैक किया और फिर उसको सर फोड़ दिया, स्टैब किया. तो स्वाति ने एक बहुत बढ़िया थ्रेड बनाया हुआ है, तो आप देखिए अभी क्या नैरेटिव चल रहा है कि जी नागराजू, कल ही मैंने देखा संदीप बालकृष्णन और कोई मौलवी जी को बुलाया हुआ था टीवी पे, आनंद नरसिम्हन ने, और डिस्कशन ही हो रहा था, मौलवी जी बोलते हैं तो ऑनर किलिंग है. आपको पता होगा सारा नैरेटिव, पूरा नैरेटिव ऑन द मार्क्सिस्ट साइड और इन मुस्लिम ग्रुप्स इफ यू टॉक, एवरीबडी इज सेइंग ये तो ऑनर किलिंग है, दिस इज नॉट अ हिंदू मुस्लिम इशू. सो व्हाट हैज स्वाति डन, स्वाति इज मेड अ थ्रेड, आप नीचे देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ, थोड़ा सा जूम कर पाएंगे इसको या सब लोग देख पा रहे हैं तो ठीक है. W. Singh, 22, killed by mama and brother of his girlfriend. W's mother and chachi told me on video that the killers had asked him to either convert to Islam or stop courting their daughter. W had refused and continued to be in touch with the girl. He was killed. आगे चलते हैं जी. Next, scroll down. Sanjay Kumar was killed and mutilated by family of his wife after he returned home a year after marriage. Neighbors told me his wife's mother would tell the entire colony she wouldn't let the daughter be cremated. Okay, next chalte hain. Rahul, mera namesake hai. 20, lynched outside his house by cousins and brothers of his girlfriend. They call him on pretext of talking about his relationship with their sister, but kill him. This is all a Muslim girl. नीचे चलते हैं और. रवि, 17, किल्ड बाय ब्रदर्स ऑफ हिज स्कूलमेट हु हैड गॉन टू मीट फॉर विशिंग न्यू ईयर. शी लिव्ड इन द नियर बाय विलेज. एंड ऑफ कोर्स स्वाति हैज बीन गिविंग मनी टू अ लॉट ऑफ दीज पीपल. माइनर बॉय, किल्ड एंड म्यूटिलेटेड बाय मदर एंड स्टेप फादर ऑफ हिज क्लासमेट इन कर्नाटका. वी वर टोल्ड इज सम काइंड ऑफ अ यू नो argumentatively Hindutva laboratory. Usse pehle aap dekhiye Ankit Saxena ko mara. This is Swati has done a brilliant job, right? Sare usne, and this is only the western UP, which is usually what she covers. Aap ye dekhiye pure Bharat mein kya ho raha hoga. This is the same story everywhere. But narrative kya banayenge? Nahi ji, ye to hate crime nahi hai, ye to honor killing hai. Aap NDTV pe dekh lijiyega. अनंत को छोड़ दीजिए अब. हाँ जी मैम, सॉरी. नहीं, बहुत जरूरी बात आपके ऐड करने के लिए. अगर ये ऑनर किलिंग भी कह रहे हैं ना, अगर वही मान ले, क्योंकि 2010 में
एक क्रिश्चियन एनजीओ है शक्तिवाहिनी, उसने पीआईएल डाली थी ऑनर किलिंग खाप पंचायत का हवाला लेते हुए, और छुटपुट 6-7 घटनाएं हुई होंगी, वो भी जिसमें खापों का कोई लेन देन नहीं था, फैमिलीज का लेन देन था, ऑनर किलिंग का हवाला लेके सुप्रीम कोर्ट पीआईएल सुनती है इन एब्सेंशियो ऑफ खाप पंचायत, और खाप पंचायत को बैन करने की मांग को सर आंखों पर उठाती है, लॉ कमीशन रिपोर्ट तैयार करती है, लॉ कमीशन एक कानून पास करती है, पास नहीं ड्राफ्ट करती है, विच वुड हैव बिकम लॉ इन ऑल लाइवलीहुड बट फॉर आर इंटरवेंशन वेयर मानुषी एंड आई रिप्रेजेंटेड सेवरल खाप पंचायत, कि आपका डेटा ही नहीं प्रूव करता कि ये खापों ने की, और ऑनर किलिंग का हवाला दे के छुटपुट ऑनर किलिंग का पूरी thousands of years of this social institution, सामाजिक संस्था को बैन करने का कानून बन जाता है। तो फिर ऑनर किलिंग है तो फिर इस्लाम को बैन करेंगे कि मुस्लिम सोसाइटी को बैन करेंगे, यहाँ पर भी अप्लाई करिए, कुछ ही कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करिए, ऑनर किलिंग है सारी ऑनर किलिंग, गाली अभी चुन चुन के सुप्रीम कोर्ट ने आपों को दे के देखिए ना। चलिए मधु जी, यहाँ तो डेटाबेस बना लेंगे ऑनर किलिंग का, बट ये क्यों डेटाबेस नहीं बनता कि वेयर अ मैन इज अ हिंदू एंड अ गर्ल इज अ मुस्लिम एंड दे आर इन लव एंड दे हैव गॉट मैरिड, आर्य समाज पे हुए, कोई कन्वर्ट हुए कोई कन्वर्ट नहीं हुए, वहां पर डेटाबेस क्यों नहीं बनता? सो आई मीन ये बातें, आई मीन मैं वापस सवाल डाल रहा हूँ, बट क्यों नहीं बनता उसका जवाब मैं अगले ट्वीट से दिखाता हूँ आपको क्यों नहीं बनता। अंकित, अगला डेक्कन क्रॉनिकल का ट्वीट है, स्वाति का ही, वेरी इंटरेस्टिंग। मधु जी आप सुनिए, ये जो बिलाप्रम नागराजू को मारा, अब देखिए क्या लिखती है डेक्कन क्रॉनिकल, दैट द अटैकर्स आर अनआइडेंटिफाइड, है ना, वाइल ऑफ कोर्स ऑल द अदर न्यूज़पेपर्स हैव सेड दैट द किलर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। एंड आप देखिए जरा स्क्रीनशॉट में, एक छोटा सर्कल स्क्रीनशॉट खोलिएगा प्लीज आशीष। हाँ जी, ये नीचे सर्कल दिख रहा है आपको, दे हैव क्लासिफाइड दिस एज एन इंटरकास्ट मैरिज। या ऊपर है आशीष, जरा ऊपर जाओ, ऊपर तो टेक्स्ट में लिखा था, वो स्वाति ने लिखा है, बट दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ द इंटरकास्ट मैरिज, बताइए देख रहे हैं आप। सो ये सब इसका मतलब इस्लाम हमारे कास्ट बन गया, हिंदू, हाँ जी हिंदू धर्म की नहीं, एक तरफ तो they are saying that the man is a Dalit Hindu, फिर बोल रहे हैं मुस्लिम से शादी करी, और फिर उसे intercast बोल रहे हैं। See, this is just wordplay, constantly manipulate words, twist things around, it's the same thing जैसे वो बोलते हैं, जैसे वो किसी तांत्रिक ने किसी के साथ रेप किया था या कुछ हुआ था, और उन्होंने एक हिंदू बाबा की फोटो लगा दी थी, that tantric was a Muslim, but when the picture was, the representative picture was given, it was of a Hindu Baba. This, and repeatedly so, absolutely. It's a very interestingly, next tweet kholiye please, Swati ka once again. What does the girl have to say? Aap ye dekhiye. And still these guys have the audacity to call it an honor killing and this is not a Hindu Muslim hate issue and all of this. Screen dekhiye ANI ka niche, thoda sa scroll kariye Ashish please. Dekhiye. The girl is saying, he, Nagaraju, offered to his mother to convert to Islam also, if they would be okay with the marriage. The mother still refused, or for whatever reason, wo chahe usme SC angle ho, ST angle ho, mujhe nahi pata. And then they had a love marriage. Ashreen has taken a new name under Arya Samaj, kya naam liya mujhe yaad nahi hai. She is saying it, magar nahi, they will not listen to her story. This is exactly like Barkha Dutt interviewing in Kashmir, if you recall. बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था ऑफ अ टेररिस्ट, वो बोल रहा है आप किसके लिए गन उठाई है आपने, वो बोल रहा है इस्लाम के लिए, वो बोल रही है नहीं नहीं कश्मीर के लिए, यू रिमेम्बर दैट, या या सेम थिंग्स गोइंग ऑन, आई मीन हंसने हंसी भी आती है, बुरा लगता है कि हम हंस रहे हैं इतने सीरियस इशू पे ऐसे। अच्छा आगे चलते हैं, दिस इज जस्ट अ, दे हैव मेड अ जोक आउट ऑफ अस, they've made a joke out of journalism also, you know, and I'll just come to this, the teaching of history and journalism, I'll come to it in a little while.
आशीष जी वो विवेक अग्निहोत्री का प्लीज ट्वीट खोलिए नेक्स्ट वाला, थैंक यू। तो मैम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं भी गया था सुनने विवेक अग्निहोत्री को, बहुत बढ़िया बोले। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं वो ट्वीट डालना भूल गया वेयर वेयर समबडी हैज कॉल्ड आउट समबडी कॉल्ड पंकज यादव और नो इफ आई रिमेंबर द नेम करेक्टली, ही इज कॉल्ड आउट द थ्री ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेवरल जर्नलिस्ट फ्रॉम दीज थ्री ऑर्गेनाइजेशन, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम NYT, अल जजीरा एंड वन मोर आई फॉरगेट द नेम, दे हैव फॉर्मली ऑब्जेक्टेड ऑन प्रेस फ्रीडम डे, ऑन प्रेस फ्रीडम डे 3rd May दे ऑब्जेक्टेड टू दिस इंटरनेशनल प्रेस काउंसिल होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस गिविंग विवेक अग्निहोत्री ऑडियंस टू एक्सप्लेन अबाउट कश्मीर फाइल्स, दे कैंसल्ड इट लास्ट मिनट। यस, इसी टाइम होना था एंड दैट इज वाई विवेक अग्निहोत्री ऑर्गेनाइज्ड इट एट द सेम टाइम और प्रीटी मच द सेम टाइम एट नाउ अ प्राइवेट लोकेशन। इट वॉज अ वंडरफुल हॉल फुल, ही स्पोक ब्रिलियंटली, पल्लवी जोशी स्पोक ब्रिलियंटली, उसके बाद मैं चला गया था। बट अब आप देखिए, दे कॉल इट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सी आई हैव टू एक्सपीरियंस इट ऑल्सो ऑलमोस्ट एवरी डे इन स्पाइट ऑफ बींग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अभी क्या, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप अगर रशिया यूक्रेन वॉर में इतनी स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन है अराउंड द वर्ल्ड एंड इट्स लेड बाय अ वेरी यूरोसेंट्रिक और अमेरिकन सेंट्रिक आइडिया ऑफ हाउ द वर्ल्ड नीड्स टू बिहेव, माय व्यू, आई हैव बीन अ फॉलोअर ऑफ प्रोफेसर जॉन मीयर्सहाइमर एंड यू नो अ लॉट ऑफ अदर ऑल्टरनेट हिस्टोरियंस और इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट्स एंड ऑल। आपने अगर सुना हो प्रोफेसर मीयर्सहाइमर US में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है एंड ही इज बीन telling NATO for 20 years that please do not expand it, you are poking Russia constantly in the nose, in the eye, aap ye sab band kariye. He had been predicting a Ukraine-Russia conflict for the last 10 years since NATO expansion and he solely blames NATO for it. Maine keval wo video na kahin LinkedIn pe post kar diya ki this is an alternate view. आप मधु जी मानेंगे नहीं, मुझे थ्रेट्स आने शुरू हो गए फ्रॉम पीपल इन यूक्रेन एंड इन यूके दैट इफ यू डू नॉट पुल डाउन दैट वीडियो योर बिजनेस इज गोइंग टू हैव कॉन्सिक्वेंसेस। सो मधु जी, इनको ना फ्रीडम ऑफ स्पीच इज ओनली जब तक उनकी लाइन टो करेंगे आप। और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है मधु जी, दैट्स ऑल्सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज एक्चुअली अ वेरी ग्लोबल, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अमेरिका सफर्स फ्रॉम इट very ironically or surprisingly, they call Putin a right wing or you know whatever, he's a Marxist but he's called a right wing. I'm confused about these labels sometimes. He should be a left ideally, but he's not a liberal, you know, that's probably the point. The issue is Putin also suffers from the left. He has in his speech said that the left in Russia is a menace. And this is a global problem right now. My God, this is fun. Putin having difficulties with the left in his own country. So actually, which means कि जैसे leftists को थोड़ा खुला माहौल दे दो, तो like AIDS virus, they actually infect the entire body politic. It's very interesting, ma'am. इसमें ना क्या है मधु जी, एक video देख रहा था मैं. I forget the British parliamentarian. He's a conservative, Lord, I forget his name, but the person interviewing him is Douglas Murray, also a conservative. Bahut interesting video. He's the author of a book called The Strange Death of Europe. Huh? Very interesting video interview by Hoover's Institution of Douglas Murray. Avashya dekhiyega ma'am. और सारे जो व्यूअर्स हैं जरूर देखिए, द स्ट्रेंज डेथ ऑफ यूरोप हूवर्स इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू है पीटर समथिंग ऑफ डगलस मरे। मैम वो वीडियो ना मधु जी सुनने के बाद बहुत दुख लगता है, ब्रिटिशर के साथ दुख लगता है कि बेचारों की क्या हाल हो गया है। ही सेज दैट यूरोप एंड यूके इज अनरिकग्नाइजेबल, this is my country, this is, it's as if Europe belong, and these are his words, I'm paraphrasing him, it's as if Europe is meant to be home for the entire world but for us.
who are the natives of the land. वही हमारा हाल है, वही हमारा हाल हो रहा है। और वैसे मुझे किसी ब्रिटिश के साथ जरा भी सहानुभूति नहीं है। हाँ मैम, मुझे बड़ी खुशी होगी आईसिस टेक ओवर कर ले और वो बदहाली करे जो अफगानिस्तान बनाए ब्रिटेन का, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि उस हाल में ये छोड़ के गए थे हिंदुस्तान को और आज भी नहीं सीखे, आज भी इनकी यूनिवर्सिटीज, आज भी इनका मीडिया हम पे गाली पे गाली दिया जा रहा है। मैम तो मुझे तो ऑनेस्टली नहीं है तो यहाँ ना आए, कहीं ये भी रेफ्यूजी बन के हमारे यहाँ ना आ जाए, मुझे तो बस वो डर है। नाम याद आ गया उनका, लॉर्ड सम्प्टन। आप उनको सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग मैम। आप सोचिए दैट्स द मेजॉरिटी ऑफ यूके, इसी वजह से दे सेपरेटेड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन बिकॉज देयर वाज अ दिस वोट राइट, एंड उसकी वजह से सेपरेट करे। दे आर द पीपल हु आर द मेजॉरिटी, बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मेजॉरिटी अदर देन दैट रेफरेंडम उनके पास कोई आवाज ही नहीं है। दे हैव द सेम हालत यूके में बैठे हुए। तो मजा नहीं आ रहा आपको मैम? उनके साथ जो हम नहीं, मुझे मैं कह रही हूँ उनके साथ हुआ, उनकी लड़कियां जब अबडक्ट होके सेक्स स्लेव्स भारी मात्रा में बाजार में बिकने लगी जिस दिन ब्रिटिश लड़कियां, जिस दिन अमेरिकन लड़कियां, जिस दिन जर्मन बेटियां, उस दिन इनको अकल आएगी, उससे पहले नहीं आएगी शायद, तब भी ये माय बॉडी माय राइट करके उसको अकल तो अभी भी नहीं आई है, अभी भी नहीं आई है, वो तो अभी नहीं आएगी। स्केल बढ़ना चाहिए ना। ग्रूमिंग गैंग्स ऑफ यूके को सारा टाइम छिपाते रहते हैं, दे डोंट ओपनली टॉक अबाउट इट बिकॉज़ आई नो द स्केल इज स्टिल नॉट मैमथ, यू सी, एंड देयरफॉर दे कैन अफोर्ड टू हाइड इट। उस स्केल पे जब हुआ जो भारत में हुआ, लड़कियां उठाई गई, स्त्रियां उठाई गई और सेक्स स्लेव और हैरम्स में बंद की गई, वो और आए दिन सरतन से जुदा होने लगे ना, जब ब्रिटिश स्ट्रीट्स में, लंदन की स्ट्रीट्स में, बर्मिंगम की स्ट्रीट्स में, ऑक्सफोर्ड की स्ट्रीट्स में, कैम्ब्रिज के प्रोफेसर्स के, तब शायद जी मेरे को लगता है ना कि शायद हमारे लिए टू बिल्ड allies will be much better anyways, but hum wo ready nahi hai, hum to ready hai, wo taiyar nahi hai na, wo jab gali kisko dete hain hum hi, ha chalo Tony Blair jab prime minister chip chhod deta hai uske baad uski jagriti hoti hai, uske baad wo bolna shuru hota hai, jab tak wo prime minister hai tab tak sab politically correct bhasha aur sab bolna anyways, to main lord sumptum ki ek badi interesting baat pe aa raha tha ki leftist capture kaise karte hain aapke prashn pe ki How do they do it? So Michael Douglas, Douglas का जो भी, वो उनसे पूछता है कि how do they do it? Exactly the same question. And Lord Sumpton says something very interesting. He says, you see, the left has all these wonderful slogans: march forward into a new future. है ना? मतलब it's a big wonderful slogan. मगर हमारे पास क्या है? Hesitate. Be slow. You have to look at your past. We have no, you know, arousing sloganeering hai nahi hamare paas. So this is a very nuanced, very subtle comment, but bada acha laga mujhe to explain our problem. We actually have no big, you know, march forward into a new future type slogans. Aur unke paas wo empty sloganeering hai, which is what Arvind Kejriwal is doing, by the way. Roz subah sham exactly yahi karta hai wo. एंड सारे ये यूथ आप दिल्ली के देखिए, पागल हुए वोट करते रहते हैं, पंजाब भी वोट कर रहा है, एग्जैक्टली यही, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू अराउज पीपल। एंड आई थिंक ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, जेपी नारायण के समय में, मधु जी मैं तो ऑफकोर्स छोटा था या पैदा नहीं हुआ था, जो भी, मुझे दादाजी बताते थे जब मैं बड़ा हो गया था, आई यूज टू हैव कॉन्वर्सेशंस विद माई ग्रैंडफादर एज अ यंग बॉय, तो मेरे फादर दादाजी एक जगह बैठे थे और ये बात इंटरेस्टिंग आई कि जेपी नारायण, मैंने सुना उनसे, उन्होंने बोला कि सारे पुलिस को वो आक्रोश में ला रहे थे कि आप पैसे के लिए, ये सरकार की नौकरी के लिए वर्दी पहने बैठे, उतार के फेंक दो इस वर्दी को और इस छोड़ दो इस नौकरी को, रिवोल्ट करो, हमारे साथ ज्वाइन करो, ऐसा कुछ था।
सो मैं दादाजी ने बोला कि यू नो ही वॉज थिंकिंग दैट चलो इनको छुड़वा तो दो, रिवोल्ट करवा दो, दिस सिस्टम इज रॉन्ग आई एक्सेप्ट बट वॉट इज द सिस्टम यू विल रिप्लेस इट विद. आम आदमी पार्टी से पूछिए, अरविंद केजरीवाल अभी बड़ा सा ब्यूटिफुल डायलॉग इंडिया टुडे पे दिया एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दीज जर्नलिस्ट लेट हिम गेट अवे विद दिस. ही सेज इतने इमोशन के साथ, अभी तक हमने बिजली पानी सड़क की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करी है, देखो कोरिया कहां पहुंच गया है. अच्छा भैया नहीं करी है, आप कैसे करोगे मुफ्त देके? बाय 57,000 करोड़ और व्हाटएवर आई डोंट नो इज द दिल्ली जल बोर्ड डेट. Is that how you are going to is the system you are going to build? How? They have no freaking idea that what is liberal economics. How do you build? How do you replace what you are calling out is wrong by good economics? You have no idea. But sirf slogan hearing hai. Aur usme ye log beh jaate hain. Ab surprisingly, mujhe wo Lord Sumpton aur Douglas ki conversation dekh ke laga ye to yaar UK mein bhi beh jaate hain, US mein bhi behte hain, to puri बेचारा प्यूतिन बोलता है कि मेरे यहां भी बहते हैं. तो अब दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड यू नो वी हैव टू आई डोंट नो हाउ टू फाइट इट बट आई विल जस्ट कम टू सम ऑफ दीज पॉइंट्स. फॉर अस इट्स एन इंपोर्टेड प्रॉब्लम. आई मीन वी हैव इंपोर्टेड द डिजीज. इट्स लाइक ये जो वुहान वायरस कहते हैं या कोविड कहते हैं, ये हमारी हमारे कीटाणुओं की जात नहीं थी पर फिर भी हमने उसको झेल लिया. अच्छे से झेल सकते हैं और कुछ नहीं, बाबा की कोरोनिल खा के. वी हैव एंटीडोट्स सिंपल, वी डिडंट नीड अ कोवैक्सीन. एंड सिमिलरली इफ इट वर्न्ट फॉर द फैक्ट दैट द ग्लोबल पावर्स हैव आल्सो captured our state machinery, at least the minds of our rulers. नहीं तो ये antidote हमारे पास अच्छे खासे हैं इनके. बिल्कुल, वो antidote चलने नहीं दे रहे. चलने और जो आपने कहा ना, एक छोटी सी बात ऐड करूं. अभी हाल ही में एक मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट आई थी और उसमें जो यूरोप ने डेथ ऑफ यूरोप स्टार्टेड when they slaughtered the Jews. When they decimated them, 6 million of them in one go, Europe did. And then, since then, they've been taking in Islamists. Ab Jews, jo geniuses produce karte, chahe literature mein, chahe science mein, chahe medicine mein, technology mein, kisi cheez mein bhi, they are knowledge creating group. Just as Hindus were, the Brahmins were. इनको डेसिमेट, हमको पहले डेसिमेट किया फिर जूस को डेसिमेट किया. और रिप्लेस किसके साथ कर रहे हैं? इस्लामिस्ट जो ह्यूमैनिटी को डेसिमेट करना चाहते हैं. और यूरोप इज गोइंग टू पे, आई मीन जस्ट एज वी पेड, बट वी एटलीस्ट फाइटिंग बैक बेटर आई थिंक देन देम. मैम ये जो ना, ये जो इसको तो थोड़ा फाइट बैक इनको भी सीखना पड़ेगा. एंड आई एम श्योर देयर विल बी अ रिटेलिएशन. स्वीडन में फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मैं. देवर इंस्टेंसेज इन दिस डॉक्यूमेंट्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वॉज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाई अ जर्मन वीडियो प्लेटफॉर्म, अ जर्मन न्यूज प्लेटफॉर्म. वहां पर म्यूजिक फेस्टिवल में मधु जी, अ गैंग ऑफ मुस्लिम्स सर्कल्ड सम स्वीडिश वुमेन एंड रेप देम इन द मिडल. Yes. Without anybody getting to know. Yes, और I saw that. हाँ जी, तो ये स्वीडन में हुआ था अगर मैं सही पकड़ रहा हूँ तो. और वो जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था शायद. तो पुलिस से the documentary makers actually went around asking the Swedish police, they were interviewing them, you know, why don't you raise these issues openly? The do you know what the police officers were saying? We will be labeled racists. So their fear of being labeled racist is not allowing them to call out the truth of what is happening. You see, अब यहाँ पर हमारे ऊपर exactly यही लगा देते हैं. हमारे को हिंदुत्व बोल देंगे, कभी बोलेंगे communal हैं, कभी, और हम defend ही करते रह जाते हैं. फिर हम चुप हो जाते हैं. नहीं नहीं, अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें racist बन के दिखाना चाहिए.
हमें थोड़ा सा इनको टेस्ट फासिज्म का देना चाहिए, एक एक ट्रेलर ही दे दे फासिज्म का, ये सब धुरंधर सुधर जाएंगे। आई टेल यू दैट्स द ओनली वे, फासिज्म ना सही और कुछ नहीं, जो डंडा दे डिजर्व उतना। ये जो लंबी जबाने अपने आप कतरन हो जाएगी। जी आगे चलते हैं मधु जी। आशीष जी प्लीज ये नेक्स्ट ट्वीट खोलिएगा प्लीज, ये जोधपुर वायलेंस पे आते हैं अपनी स्टोरी बिल्डिंग में, और ये वीडियो प्लीज चला दीजिएगा एक बारी। अब एक मिनट में कॉन्टेक्स्ट दे दूं इस वीडियो में क्या हुआ था, शायद सबको पता ही होगा आपके स्पीकर आपके लिसनर्स को मैम, मगर एक मिनट बता देता हूँ। यहाँ पर किसकी वो बस्ट लगा हुआ है, किसका स्टैचू लगा हुआ है मुझे उनका नहीं पता, मगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कोई इंडिपेंडेंस मूवमेंट के कोई बहुत बड़े हिंदू लीडर रहे होंगे जिनका इस चौराहे पे बस्ट है जोधपुर में, उसके साथ सपोजिटली भगवा लगा हुआ था, भगवा झंडा, विच मस्ट हैव बीन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। आई कैन रिलेट टू इट बिकॉज मैं दिसंबर में महाराष्ट्र गया था, अपने सोलो ट्रिप करता हूँ वर्ष में एक बारी दो बारी, और सिंहगढ़ गया, सिंहगढ़ के बिल्कुल एंड में बहुत बड़ा शिवाजी महाराज का भगवा झंडा है, और ऐसा पुणे में महाराष्ट्र में हर गली चौराहे हर जगह भगवा लगा रहता है, विच इज़ अ सिंबल ऑफ मराठा रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल्स और शिवाजी से करके, करेक्ट? आई एम गेसिंग इट मस्ट बी इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, और आज ही नहीं लगा होगा ये, कई बहुत देर से यहाँ लगा होगा। तो ये वीडियो अगर आप प्ले करें तो यहाँ क्लियरली दिखता है कि ये पूरा रात को, रात के अंधेरे में, रात को 12 बजे 11 बजे 12 बजे जो भी, ये वेरी लार्ज 500,000 पीपल और व्हाटएवर नंबर ऑफ पीपल ऑफ मुस्लिम्स हैव कम, दे टुक ऑफ द भगवा, दे पुट कवर्ड द हेड ऑफ द जिनका स्टैचू था वहां पर, और उसके बाद सारे इस्लामिक झंडे लगाए गए हैं। आप देखिए एक मिनट ये वीडियो दिखाओ। और फिर उसके बाद कोई जो हिंदू लोग मिल गए जिन्होंने रेजिस्टेंस करी होगी उनको पीटा पकड़ कर। ये पूरे वीडियो है मैम, आप बस हैशटैग जोधपुर करके देखिए, जोधपुर वायलेंस, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। भला हो सोशल मीडिया का। हाँ जी भला हो सोशल, ये हिंदुओं के लिए ही बना है राहुल जी, ये सब नंगे हो रहे हैं। हाँ। और हम ही हमारी सच्चाई पेश करने का हमें अनप्रेसिडेंटेड मौका मिला है इतिहास में, पहली बार। भला हो हाँ, नो डाउट, एंड उस मतलब मैं तो थैंक गॉड फॉर इलॉन मस्क कि फाइनली वॉइसेस विल नॉट बी कर्टेल्ड बिकॉज मिस्टर जैक वाज ओपनली सेइंग वी आर लेफ्ट लीनिंग। लेफ्ट में तो देखिए, लेफ्ट नीड नॉट ऑलवेज मीन हिंदू बैशिंग, हिंदू हेट्रेड एंड रेसिज्म। नहीं, बट जैक का और ट्विटर का, बट जैक का और ट्विटर का तो मैम क्लियर था, जब वो इंडिया आया था तो ही स्टूड विद ऑल ऑफ दिस पीपल, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, जिसको पता भी नहीं होगा ब्राह्मण कौन है और ब्रॉट इज ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, वो उसको इक्वेट कर दिया उसने व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट रेसिज्म से, वो वहां से उठाते हैं यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं और बस बोलते हैं ये। अगला ट्वीट खोलते हैं प्लीज, नेक्स्ट ट्वीट, और उसके अगले वाला भी अगर आप रख लेंगे तो आशीष। सो मैं बस यहाँ पर खोल पा रहे हैं आशीष? आ रहा है। अच्छा जी, तो ये वायलेंस के बाद हुआ जी, कुछ लोग ऐसे ही आते जाते पकड़ लिए, बाइक में मोरी करी, आग लगा दी, बंदे के दोनों टांगे जल गई, हाथ जल गया जी। आगे चलते हैं आशीष, नेक्स्ट पे आते हैं, ये जर्नलिस्ट भाई साहब गए हैं, ये पत्रकार हैं सुमित पुरोहित, दंगाइयों ने हमला किया इनके ऊपर, देखिए वो खूना खून हुए पड़े हैं, अभी देखेंगे आप, मगर ये नहीं दिखाएंगे एनडीटीवी में। यहीं पर किसी का वो बैंडेड लगाकर वो जेएनयू के वो खड़े हो जाते हैं ना, मेरे कुर्ता फाड़ दिया जी, वो जेएनयू में हुआ था ना कुछ रामनवमी पे, बस वो ही दिखा दे रहे। फोटो दिखाइए और नीचे स्क्रॉल करिए, इनका पूरा वीडियो है,
इतने गुस्से में आक्रोश में बोलते हुए, देखिए आप हालत। ओह माय गॉड, जर्नलिस्ट का ये हाल किया। उनका वीडियो चला सकते हैं आप? ये वीडियो मैम मेरे को ना वो मिला नहीं राइट वाला, मैंने फोटो डाल दिया, बट ऐसे बहुत हैं आपके। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये स्टोरी जोधपुर पे खत्म नहीं होती है मधु जी, आगे वाला खोलते हैं प्लीज। रितु का, रितु राठौड़ का एक वीडियो है, आज ही बंगाल में अभी राहुल शिवशंकर इसकी चर्चा कर रहे हैं, बंगाल से बड़ी अच्छी खबर आई है। देखिए जी, हैंग करता हुआ एक बीजेपी के कार्यकर्ता को लटका दिया, फोटो खींच रहे हैं सब खड़े होकर यहाँ पर। अमित शाह ने बहुत गुस्से में लटका दिया मैम, अभी टीवी पे पांव तो जमीन से टिके हुए हैं वो मैम, आ गए होंगे नीचे से ऊपर हैं, देखिए थोड़े लटके पड़े हैं, टोज नहीं है पूरे टिके हुए। आई नो, बट इतने में honestly, ये पहले मार के लटका दिया होगा और क्या, मार के लटकाया। ये अभी की खबर है। और अमित शाह ने बड़ा बंगाल से वो मांगा है बीजेपी ने, अभी मैं न्यूज सुन के ही बस आपके यहाँ पर आ रहा था इसलिए 2 मिनट देर हो गई यही सुनकर। अब देखिए क्या कर रहे हैं वो, कैलकटा हाई कोर्ट में जाकर बीजेपी फाइट कर रही है कि यहाँ पर सीबीआई विल डू द इन्वेस्टिगेशन एंड नॉट द एसआईटी बंगाल की, है ना। तो ऑल द राइट पॉलिटिकल मूव्स, ऑल द राइट लीगल मूव्स इफ आई मे से, बट यू नो दिस इज व्हाई मेनी पीपल से बीजेपी नोज हाउ टू बी इन गवर्नमेंट बट दे डोंट नो हाउ टू बी इन पावर। आगे चलते हैं, शायद आपने भी यही बात बोली है मेरे को एक बार बहुत देर पहले बोली थी। नेक्स्ट ट्वीट खोलते हैं जजिंदर बग्गा का, घर से निकाल के कुछ करना था, राइट मूव करना था, प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए था जब मेयर हुआ था इलेक्शन के समय, दैट टाइम देयर वाज गुड केस फॉर प्रेसिडेंट रूल एंड इन डेफिनेट सच टाइम एज जो शाह की थी ना वार्निंग, चुन चुन के खदेड़ के इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पेकेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए था। प्रेसिडेंट रूल करते ममता जी को भी थोड़े दिन अंडमान भेज देते और प्रेसिडेंट रूल करके अच्छे से जो जरूरी था क्लेंजिंग, स्पेशली लीगल जो सारा एनक्लेव्स बने हुए हैं, तो तब बात होती। अब सुप्रीम कोर्ट को दुहाई लगा रहे हैं कि हमें सीबीआई प्रूव कराने दो, दिस इज नॉट पीपल इन पावर बिहेव, यू नो ये तो एनजीओ का काम होता है ऐसे, ये एनजीओ जाते हैं पीआईएल लेके कि सीबीआई को हैंडओवर कर दो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट डूइंग इट मेक्स नॉनसेंस ऑफ योर एबिलिटी। और आप देखिए मैम, एक तरफ आयरनी देखिए इसकी कि मोदी जी हैज एग्जैक्टली डन टेकन सच अ वन ब्रिलियंट पोजिशन ऑफ पावर ऑफ योर ओन स्टैंड व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल अफेयर्स, यू हैव टेकन अ स्टैंड प्रो रशिया, एंटी वॉर बट प्रो रशिया, है ना, और इंडिपेंडेंटली यूएस के साथ, यूरोप के साथ, अभी नॉर्डिक कंट्रीज के साथ, व्हाट अ रिसेप्शन। द वर्ल्ड ओनली रिकॉग्नाइजेस पावर, ओनली पावर, they are refusing to show power in India. सिर्फ योगी जी हैं जो थोड़ी पावर दिखाते हैं। अब देखिए सब के सब लाइन पे लगे हुए हैं, nobody comes out on streets protesting, कोई किसी का गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ता है, कुछ नहीं करता, 50,000 लाउड स्पीकर उतरवा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज ही डेमोन्स्ट्रेटेड पावर कंसिस्टेंटली एंड सेड आई एम अ नो नॉनसेंस पर्सन, यू कांट मेस विद मी, आई एम फॉलोइंग द लॉ, वॉट एवर इज द लॉ। आई things which I would have hoped for the better, maybe I can talk about, I will talk about it a little later, magar but basically just by whatever is the law you follow that and show, demonstrate power, demonstrate strength. You show weakness all the time, then the other side will always, you know, use your weakness anyway. इनको तो चूहे भी डरा रहे हैं, वो भी बिल से निकले हुए हैं जो दुबक गए थे अपने दिलों में, सांप से डरे तो डरे, चूहों से भी डर रहे हैं। चलो आगे, सॉरी माइक के फ्यूचर, या सॉरी आशीष, थैंक यू।
तो तजिंदर बगा को उठाया. अभी देखिए हुआ क्या है कि दे वंस अगेन फॉलोड द राइट लीगल रूट्स. द हरियाणा पुलिस हैज ब्लॉक्ड द पंजाब पुलिस. पंजाब पुलिस को डिसआर्म किया गया है सपोजिटली, और ऐसा कुछ उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, स्टफ लाइक दैट. आई जस्ट फाइंड इट वेरी अम्यूजिंग है ना कि दिस इज हाउ दे मैनेज टू, दे आर ट्राइंग टू सेव अ टॉप यूथ लीडर of their own party by following the, I mean they are not in power at all. आगे चलते हैं और देखिए वो आम आदमी पार्टी जिसको हम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आजकल की यंग जनरेशन, दे हैड मोदी डन एनीथिंग लाइक दिस? ये सब सड़कों पे होते, चिट्ठियां लिख रहे होते, कैंडल लाइट मार्चेस होती. आम आदमी पार्टी वो कर रही है एग्जैक्टली वही. इलीगली तजिंदर बग्गा को उठा के ले गए और कुछ नहीं वहां पर. सॉरी, एक और ट्वीट था ऑफ दारुल हुडा यूनिवर्सिटी केरला का. आशीष अगर पहले वो खोल दें प्लीज. मैम इसमें क्या है मधु जी, एक व्यक्ति है, ये स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ऑफ दारुल हुडा यूनिवर्सिटी इन केरला. शॉकिंगली पता है उन्हें उसे क्या बोला जा रहा है? उसने आके ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोला है कि उसके उसको पढ़ाया, उसको बताया जाता था यूनिवर्सिटी में, ही सपोजिटली वांटेड टू जॉइन द इंडियन आर्मी. उसको बताया गया तुम इंडियन आर्मी नहीं ज्वाइन करोगे, दिस इज हैपनिंग इन केरला मैडम. और वो बोल रहे हैं कि केरला में क्यों? क्योंकि अगर तुमने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी, यू मे बी फोर्स टू किल इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. This guy yesterday has come. Hello, Rahul ji, ये बात भारत सरकार को इस्तेमाल करनी चाहिए पुलिस में और आर्मी में, ना भर्ती करें मुस्लिम्स को कि उनको धर्म संकट ये डिलेमा ना फेस करना पड़े. आई वरी फॉर देम, क्योंकि मोमिन को मारना, फेलो मोमिन चाहे वो पाकिस्तानी हो, ये बहुत खतरनाक बात है. तो क्यों हम उनके लिए ये मुसीबत डालते हैं कि वो चुने? और दैट शुड बी गुड इनफ रीजन टू स्पेयर देम दैट इंटीग्रिटी, टू स्पेयर देम दैट संकट. बढ़िया आशीष जी, ये आपको अभी भेजा है मैंने, यहाँ पे दिखा दीजिए ताकि नहीं ये वाला नहीं, सॉरी आशीष, अभी भेजा एकदम व्हाट्सएप पे. फ्रॉम लेविना नेथिरी, दिस इज अ ट्वीट फ्रॉम लेविना नेथिरी. एंड फिर नहीं, ये नहीं आज. अच्छा, अगर मिलता है तो वापस आते हैं उस पे. मैं मधु जी वापस आके हैं, दिखाना चाहूंगा मैं. एंड देयर इज अ वीडियो ऑफ दिस पर्सन इन मलयालम, तो थोड़ा सा चाहे समझ में ना आए मगर प्ले करके देखेंगे. दिस बॉय इज अंडर अटैक नाउ बिकॉज ही इज कम आउट इन द ओपन कॉलिंग आउट द इस्लामिस्ट मूवमेंट इन केरला यूनिवर्सिटीज, सेइंग दैट दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड. इसको प्ले कर दीजिए आशीष जी प्लीज, वॉइस चला दीजिए, समझ में नहीं आएगा मगर अगर कोई मलयाली समझने वाले. ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരും ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യരുത്. ഐ എം വെരി സീരിയസ്. എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരും ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യരുത്. കാരണം എന്താ, പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന ടെററിസ്റ്റുകളെ നിങ്ങൾ കുടിവെക്കേണ്ടി വരും. അവരെല്ലാം വിശ്വാസികളല്ലേ? അവരെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള वो ट्वीट दिखाई है, वो उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट था टेक्स्ट. एक्स स्टूडेंट ऑफ दारुल हुदा यूनिवर्सिटी केरला रिवील्स ही वाज टॉट नॉट टू सपोर्ट इंडियन आर्मी और जॉइन इट बिकॉज देन he would be forced to kill infiltrators from Pakistan and Afghanistan. Wah. My myriads of pro-ISIS supporters in Kerala. You know, but I really think this is a good warning, and this is actually a warning that the Indian state should be taking in order to rule out the inclusion of certain groups from the police and the army. It's very important to do that because aap unko khamakha musibat mein dal rahe ho.
आगे चलते हैं। तो अब मैं एक स्क्रीनशॉट भेजा था आशीष आपको, अगर आप वो स्क्रीनशॉट पहले खोल दें, बिकॉज दिस पर्सनली इज वेरी वेरी पेनफुल टू मी एंड आई विल टेल यू व्हाई। मैं पर्सनली एक स्क्रीनशॉट था एक अच्छा मैं तब तक जब तक आशीष खोल रहे हैं मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। अच्छा हाँ जी खुल गया। तो इधर ना क्या लिखा है, अच्छा मैं बैकग्राउंड पहले बताता हूँ। मैं मैम करीबन 1999 से या 2000 से मैं बच्चा था उस समय, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 22 साल हो गए। मैं एक स्कूल शुरू करा था जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास, ठीक है, किशन संत कुंज ऐसे रहता हूँ, जो भी स्कूल शुरू करा था। तो अर्बन एरिया है, अर्बन क्या बोलते हैं, अर्बन विलेज है ना उसका, और बिल्कुल कंजेस्टेड कॉलोनी है, बहुत सारे ओरिजिनली जाट गुजर, फिर बहुत सारे माइग्रेंट्स आ गए पूरे देश से एज द एरिया डेवलप्ड एंड वो सब करके। तो बहुत मुस्लिम्स भी हैं, सारे लेबरर्स हैं, हिंदू मुस्लिम लेबरर्स बहुत ज़्यादा हैं। उनके जब बच्चे आए तो ये मैंने अपने घर परिवार से ही शुरू करा था कि स्कूल चलाते हैं, जो एजुकेटेड नहीं है उनके 5वीं में छोड़ दी, क्लास 6 में छोड़ दी, उनके लिए स्कूल शुरू करते हैं डोमेस्टिक हेल्प के लिए, मेरे नेबरहुड में मेरी कॉलोनी के लिए शुरू करा था। एक्सपैंड करते करते हम अर्बन विलेज में पहुंच गए और वहां पर मधु जी अब 20-22-23 साल हो गए ये हम वहां पर चलाते हैं, मुफ्त चलाते हैं इतने सालों से, लड़कियों की एजुकेशन होती है। हर साल करीबन 40 बच्चे 12वीं पास करके निकलते हैं, लड़कियों की कॉलेज की एजुकेशन फीस हम सब देते हैं। हिंदू और मुसलमानों मैंने आज तक कभी भी एक रत्ती भर भी फर्क नहीं किया, ठीक। इसी का एक काउंट अटैच्ड स्कूल मेहरौली में चलता है, एक मुस्लिम लड़की चलाती है उसको, ठीक, सारे मुसलमानों के लिए लाजली वहां पर। अभी क्या हुआ, हमारे स्कूल की जो टीचर है ये बच्ची है, हमारे स्कूल में से ही बड़ी हुई है, सेकेंड थर्ड में थी तब से वो, अब वो स्कूल की टीचर है 20 साल बाद, ठीक। और उसने आज आज दोपहर की बात है ये मुझे भेजा कि भैया मैं डरी हुई हूँ क्योंकि हम उस मेरे साथ पढ़ा हुआ 20 साल से लड़का, मुस्लिम लड़का, जिसको हमने पढ़ाया, स्कूल की एजुकेशन दी, DU में उसको एडमिशन दिलवाई, म्यूजिक स्कूल में, बिकॉज उसके परिवार वाले उसको म्यूजिक नहीं बजाने देते थे क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है, हमने उसके लिए रूम लेके दिया, हारमोनियम लेके दिया कि वो पूरी ट्रेनिंग पास करे अपनी, यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन दिलवाई, सब कुछ किया उसके लिए, मुबीन करके लड़का। भाई साहब सीमा ये जो लड़की है स्कूल की, उसने नाम ले जा रहा हूं मैं, वो अपना कश्मीर फाइल्स दिखाई थी तो उसने वो अपना लोगो लगा लिया कश्मीर फाइल्स का। तो देखिए उसे आज मैसेज आया, आई नो कश्मीरी पंडित पलायन हुआ था, मारे भी गए थे, लेकिन इसके बदले में गवर्नमेंट की आर्मी ने 1,00,000 कश्मीरी मुसलमानों को मार दिया, कितने बच्चे भी गायब कर दिए। एक जो लड़ाई खत्म हो गई 1990 के बाद, उसको हाईलाइट करना मुस्लिम्स के लिए नफरत फैलाना है। चलो ठीक है, ये वो मुस्लिम लड़का कह रहा है जो आज स्कूल की टीचर के साथ 20 साल जिसमें इन्वेस्टमेंट करी है हमने, वो बड़ा हुआ है। ये सुनने के लिए मैंने उसे तैयार किया, सोचो आप। मैं तो कुछ सीखा इससे, कुछ सीखा सबक, पता नहीं मैम मैं क्या सीखूंगा, मगर आगे पढ़िए। चलो ठीक है, बात करते हैं 2014, 8 साल से लेकर निर्दोष मुस्लिम्स को बीजेपी वाले कैसे बेरहमी से मार रहे हैं, उस पर तुमने कोई बात नहीं की, वेरी अनफेयर। रिसेंटली दिल्ली दंगों में हजारों मुस्लिम्स मर गए, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि इट वाज अ प्री प्लान्ड रायट बाय ताहिर हुसैन विद गुलेल ऊपर सर पे, पेट्रोल बॉम्ब्स जो भी, बट दे विल नेवर लिसन। ये मस्जिद से मुस्लिम नैरेटिव में ये आता ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रही है। आगे चलते हैं, जहांगीरपुरी में घर तोड़ दिए, 80 हिंदू फैमिलीज हैव बीन ब्रोकन, ओनली 32 मुस्लिम्स और समथिंग, बट नहीं जी जहांगीरपुरी में मुस्लिम। आज राजस्थान में दंगा कर दिया, सब कुछ उल्टा, एवरीथिंग इज द ऑपोजिट।
constant endless victimhood. This is a boy जो अभी दिवाली के समय में इसने बैठकर सबको वो गाने गा रहा था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, तो इसने बहुत अच्छा राम का भजन भी गाया. मैं इतना खुश था यार कि बिल्कुल सही हमने इतने साल में खड़ा करा इस लड़के को, बढ़िया लड़का बन गया और आज मुझे ये मेरे गले पे तलवार गिरती है. राहुल जी सबसे मुझे चुभा मधु जी, आप सुनिए, गवर्नमेंट की आर्मी ने मेरी आर्मी ने नहीं, मतलब क्या है ये. मतलब बहुत बुरा लगा, मैं आई कुड नॉट टेक इट दिस आफ्टरनून कि ये हुआ है. ओ राहुल जी अब आप भुख तो मना रहे हो, आपकी 20 साल की 22-25 साल की मेहनत है, मान लिया, पर आपने 25 किस्म की शिक्षा दी उसको, ज्योग्राफी सिखाई, मैथ सिखाया, हिंदी सिखाई, अंग्रेजी सिखाई वगैरह वगैरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ. और उसके बराबर में खड़ी है 1400 साल की पूरी क्लियर लाइन ऑफ एक्शन और हर रोज बताई जाने वाली 1 पॉइंट प्रोग्राम. और वो 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि राहुल जैसों से नफरत करो. और मौका मिलते ही राहुल जी का सरतन से जुदा करो और ये डेसिमेट करना है. ये तो कमिटमेंट, आप मुसलमान नहीं हो सकते अगर इसमें विश्वास नहीं करते, तो कैसे आप जीत सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं ये सोच के कि आपने उसको तथाकथित सेक्युलर एजुकेशन दे दी. असली ग्राउंड कहीं और है ना. अच्छा भी हुआ है. अब जैसे सीताराम गोयल बोलते थे कि व्हाट डू यू डू विद फाइनली 14 करोड़ 15 करोड़ मुस्लिम्स, तो बोलते थे एक तो उनकी ह्यूमैनिटी को अपील करो, दूसरे पॉइंट पे नहीं आता, बट वन सॉल्यूशन दैट ही हैड वाज अपील टू द ह्यूमैनिटी ऑफ मुस्लिम्स. सो आगे हमने सबने करके देख ली राहुल जी. मैंने भी वो नौटंकी बिलीव कर ली थी, मैंने भी सोचा था यही है, कितने दशक अपनी जिंदगी के तबाह किए मैंने, और आज मैं कहती हूँ कि जिस वहां ह्यूमैनिटी की जगह ही नहीं है. हाँ, वो काउंटर है. मेरे को एक और इसमें बात है, मुझे लगता है इस मामले में जो मैसेज एक तुफैल जी देते हैं ना, कि जो डंडे और बंदूक के जोर से भूसा घुसाया गया है ना खोपड़ी में, वो उसी माध्यम से बाहर निकल सकता है. भय बिन प्रीत न होए गोपाला, यहाँ नहीं होने वाला वो काम. चाइना करता है, आराम से बैठे हैं, कोई चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं कोई निकालता, कोई एक नहीं निकालता, मैंने कम से कम नहीं सुना. और सोवियत रशिया ने भी किया, तो वहां पे भी इस तरह की गाली गलौज करने की हिम्मत नहीं, जो करता है उसकी मान लेते हैं. मेरा थोड़ा इसमें डिफरेंट मानना है. मैं यहाँ पर शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नीरज अत्री जी और हमारी थोड़ी सी सोच में कई लोगों से इन्फ्लुएंस हुआ, मगर शायद वैसा है. मैं भी उस पे आऊंगा. एक नेक्स्ट ट्वीट पे चलते हैं प्लीज, फेलुदा का, फेलुदा मिटर. इधर मैं कुछ एक दो चीजें आपको फॉर वाई क्लोज दिस दिखाना चाहता था ऑन द बैटल ऑफ नैरेटिव्स, इफ यू लाइक. वेरी इंपॉर्टेंट कोट बाय आरसी मजूमदार, द ब्रिलियंट हिस्टोरियन. The historians should pay homage and allegiance only to truth, and everything else must be sacrificed to this loyalty. Brilliant. This is R.C. Majumdar in 1939 at a presidential address to IHC. I don't know what IHC here is. Ek next tweet hai, please. Uspe jaate hain Ashish ji. Same. Inhi ka next tweet hai. Agar aapko yaad ho Madhu ji, I'm sorry. IHC is the Indian Historical Congress, which is totally taken over by JNU and AMU and Jamia and all the Qaumi Islami historians. Ab wahan RC Majumdar ki koi jagah hi nahi hai. Wahan to epitaph bhi nahi lagane denge RC Majumdar. Achha. To ye next tweet hai. और ये ना मैंने खुद देखा था ये इंटरव्यू, अगर आप देखें विक्रम संपत और शशि थरूर की बड़ी फेमस डिबेट हुई थी, 650,000 व्यूज हो चुकी हैं आज ही मैंने देखा इंडिया टुडे में. आई कुडंट फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर शशि थरूर सेज दिस, बट आई वाज वाचिंग दिस ऑन टीवी.
Do you know at one point he goes on to say that history for us in India, for the Congress, was a nation building project. Yes, yes. Ye Bipin Chandra ke words hai. Hello, hello. As a student, I've heard it. Yes. Okay. So it's no surprise. Yes. And nation building with Islam in command. Don't forget that. Nation building, sure, but with Islam in command. Haan, whatever. Matlab, sab kuch basically just see whatever happened, the issues that happened, un sabko bhool jao aur aage badho. Hai na? That is the message that Shashi Tharoor constantly in this video gives. The problem is, अरे भाई हम तो आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए थे ना 1947 में पार्टीशन हुआ था सब कुछ कर लिया सब झेल लिया उसके बाद आगे बढ़े 71 में फिर चालू हो गया फिर वहां पर कैसे आगे बढ़े हेलो हेलो राहुल जी कैसे आगे बढ़े आपने अपने गले में इतने बड़े बड़े पत्थर लटका लिए और कह रहे हैं आप आगे बढ़े आपने खुद हमने हमारे नेताओं ने हमारे गले में पत्थर लटकाए और कहा ये आपके सेक्युलर और प्रोग्रेसिव होने की निशानी है और बहुतों ने मान भी लिया हम भी बेवकूफ बने चलिए मान गलती मानी जो भी की बट करी बट सी आई मीन देयर हैज टू बी सम रियलाइजेशन दैट हिंदुत्व और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दिस होल मूवमेंट इज एक्चुअली अ रिएक्शन There is no understanding or doesn't, they don't want to understand this at all. And that is, you know, the only answer I come back to is solution kya hai finally. Toh mujhe lagta hai hum jitna marzi defend kar lein, ro lein, this sabse kuch hone nahi wala. Like finally, last do teen quotes hai, main zara quran.com kholna chahta hun, please. Aapko link diya hai uska. तो जी बंद करेंगे इसके बाद आई नो आपका टाइम ज्यादा ले लिया नहीं नहीं प्लीज आई वांट टू हियर यू थ्रू प्लीज प्लीज डोंट वरी अबाउट द टाइम मैंने सोचा भी नहीं था एक घंटा बोल पाऊंगा बात आपको मिला आशीष मिला आपको थोड़ा सा ऊपर quran.com है अब इसमें क्या लिखा है ये कुरान का चैप्टर 98 वर्स 6 इट सेज इंडीड दोज हु डिसबिलीव फ्रॉम द पीपल ऑफ द बुक And the polytheists will be in the fire of hell to stay there forever. They are the worst of all beings. I mean, there's no better person, and I think Neeraj Atriji is here, than him who's doing this work of ye sab ujagar karne ka. See, we have to somehow as a nation, and I am not here to, I don't know what to say, main yahan par nafrat phailane nahi aaya hu. बट आई एम हियर टू सर्टनली से दैट हमारे को ना ऑनेस्टी से ये वाली चीजें बोलनी पड़ेंगी इन माई ऑफिस आई हैव हैड कॉन्वर्सेशंस अबाउट दीज इशूज विद माई कोलीग्स मुस्लिम कोलीग्स ओपनली इंक्लूडिंग श्रीनगर का कश्मीरी मुस्लिम आई हैव ओपनली सेड हाउ कैन यू थिंक ऑफ मी हाउ कैन योर अल्लाह क्रिएट मी मेक मी बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली वेयर स्वामी विवेकानंद एंड राम एंड कृष्ण एंड गुरु नानक आर रेवर्ड And then you say they are all burning in hell. What kind of an idea of God do you have? Kuch to, they don't have an answer to this, ma'am. Magar pighal jate hain bichare sab. Ki hum kya kar rahe hain? They don't have an answer. Mere hisab se jab Sitaram ji bolte the na, Sitaram Goyal ki appeal to their humanity. Mere hisab se wo ye bolte the shayad. Ki Quran kholo aur dikhao ki really? Is this what I am to you? The worst of all creatures? Then they will say, no, this is a context. Don't cherry pluck, cherry pick and all of that. Okay, then please take this out of the Quran. You want to do that with Manuspriti? Please say that. Achha, ye wala jo page hai na, ye bada gadbad hai, isko phaad do. Achha, hum phaad denge. But pehle ye to phaado, yaar. Aise 600 verses hain jo roz humare ko, azan roz 5 bar sunate hain, aap sari azan ki debate suniye. Sab loudspeaker aur decibel ki chal rahi hai. Kahin par bhi, Why is it not a 295A issue? Please tell me. Every day, five times a day, from five masjid together, I am told that all my Devi Devtas are wrong and I am following false gods. This is what I am reminded of every day. Why is this not debated on TV?
Why don't BJP leaders say this? They are all about noise pollution or hamare ko force kar rahe ho sunne. This is utter nonsense. What are you talking about? Yogi ji ne bhi sare utarwaye, sabke liye utarwa diye, noise pollution Supreme Court karke. My issue with all of this is that until the narrative, until this overturned window shifts to the source, to the Quran, from where this emanates, we will not have a solution. Fair enough. And you said, Rahul ji, aapne kaha, main nafrat nahi phailana chahta. Main humanity ko appeal karna chahta. Achha, ek baat main aapse poochu. अगर मान लीजिए मेरा भाई या कोई भतीजा या कोई भी मेरा प्रियजन लड़कियों के देह का व्यापार करे, अबडक्ट करके उनको कोठों पर बैठाए, स्लेव सेक्स स्लेव बना के, और एक मिनट प्लीज लेट मी फिनिश, या मेरा भाई गैंगरेप करे, फॉर हिम इट्स अ स्पोर्ट, it's a manly sport, and if I say I hate my brother, I will not let him enter, main is bhai ke sath jeena bhi nahi chahti hu aur iske saaye mein main nahi chahti hu mera jeevan bite ya mere bachchon ka jeevan aise bhai ke saaye mein ho, agar main aise karti hu, aise bhai ko completely disown karu, chahe kanoon use punish kare na kare, aur khuleaam अगर मैं डंके की चोट में कहूं आई हेट हिम फॉर दीज थिंग्स, हो सकता है मेरा ये खून का रिश्ता है परंतु इससे मैं इस इन सब हरकतों की वजह से नफरत करती हूं, तो मुझे बहुत अच्छा समझा जाएगा। और जिन पूरी कम्युनिटी ने इसको लायनाइज किया है, ब्रूटलाइजेशन, अबडक्शन, सेक्स स्लेवरी, जेनोसाइडल वायलेंस, आज भी वो तौबा नहीं कर रहे। अगर आज भूल गए होते, हम तो भूलने को तैयार हैं। पर टुडे आई से आई वांट टू असर्ट माय राइट टू हेट, जस्ट एज आई वुड हेट माय ब्रदर, आई वांट माय राइट टू हेट, डिजोन एंड से आई डू नॉट विश टू कोएग्जिस्ट विद दिस ईविल, आई कैन नॉट लिव अंडर द शैडो ऑफ दिस ईविल। तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई नफरत की बात है, क्योंकि उनका एजेंडा खुलेआम है और हम अपोलोजेटिक होते रहेंगे कि हम नफरत नहीं फैलाना चाहते। मैं नफरत करना चाहती हूं और हर इंसान का फर्ज है ऐसी आइडियोलॉजी से नफरत करना, ऐसे व्यक्तियों से नफरत करना, उनसे बिल्कुल नाता न रखना, उनसे रिश्ता तोड़ना, और उनका क्या हमारे साथ, इस देश के साथ रिश्ता होना चाहिए, इस पर डिबेट होनी पड़ेगी। बेचारे रिजवी साहब ने कोशिश कर ली 26 केवल आयातों के लेके, आज वो जेल में बैठे हैं, आज वो जेल में बैठे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं इनसे नफरत ना करूं। जिस ताकत ने उन्हें जेल में बिठाया उनका मुंह बंद करने के लिए, चाहे उसमें कॉम्प्लिसिट हमारी खुद की भाजपा सरकार के कुछ लोग क्यों ना, या जिसने भी उनको पहुंचाया, आई डू वॉन्ट माई राइट टू हेट दैट एक्ट and those people who have acted in that manner. So, मुझे तो लगता है कि बिना नफरत किए, जो बहुत अधर्मी और राक्षसी से भी परे हरकतें हैं, उनसे नफरत किए बिना आप इसका सोल्यूशन पा ही नहीं सकते। ये गुडी गुडीज्म से सुलझने वाली होती तो बाबा नानक समझा लेते, बाबा नानक जैसा कौन प्रिय व्यक्ति था बाबर को समझा लेते ना। क्या किया बाबर ने, किसी से नहीं समझे। प्यार की बात करते करते और हम सिर्फ प्यार बांटेंगे, बाहों में संभालेंगे सबको, ये चलने वाला। मैं ये तो खैर मैं सुभाषिताएं बोलते हैं प्रोफेसर कपिल कपूर इसको, कि हम सुभाषिताओं में लगे रहते हैं, और वासुदेव कुटुंबकम और सर्वोधर्म परमोधर्म व्हाटएवर, तो सुभाषिताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम वो आर्गुमेंट में जाएंगे मैम, तो थोड़ी आर्गुमेंट ये कलर हो जाती है, वो तो क्रिमिनल्स हैं, तो ठीक है, तो क्रिमिनल्स के लिए लॉ होना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, सो उसमें वो रिलीजन का कलर नहीं जी, डोंट मिक्स इट विद दिस। तो मेरा मानना है कि बड़ी ओपनली और शायद प्यार के साथ, मैं ये नीरज जी से सीखा हूँ सही बताऊँ तो, वो बोलते हैं ओपनली मतलब जाओ और कुरान के बारे में बात होनी चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर, वी मस्ट बी एबल टू टॉक टू आवर मुस्लिम फ्रेंड्स की सेइंग इज दिस हाउ यू ट्रीट मी,
See, eventually we have to talk about the idea of Allah. आप अल्लाह ईश्वर बोलते हैं तो गांधी ने तो मुसीबत फैला दी. Is it actually the equal idea? It is not an equal idea. We must be able to courageously and openly, politely talk about it. मेरा एक बड़ा अच्छा quote है मैम. उसको मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ यहाँ पर. एक सेकंड दीजिए मुझे. मैं अपने कई लोगों के साथ शेयर करता हूँ जहाँ पर मैं ऐसी कॉन्वर्सेशंस करता हूँ. तो बोलते हैं, बीइंग टॉट टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन हैज लेड अस टू अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन. व्हाट वी शुड हैव बीन टॉट वाज टू हाउ टू हैव सिविल कॉन्वर्सेशंस अबाउट डिफिकल्ट टॉपिक्स. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ओपनली हमारे को बेहिचक के वील हैव टू टॉक अबाउट द सोर्स गंगोत्री ऑफ द प्रॉब्लम और बिल्कुल पोलाइटनेस से, मतलब ऐसा मैं सोचता हूँ. और ये करेजियसली बोलना पड़ेगा और रेजिस्टेंस करनी पड़ेगी. आई विल क्विकली जस्ट कम टू टू मोर ट्वीट. एक वीडियो है संजीव सान्याल का, आशीष जी वो प्लीज खोलिए जरा. अभी मैम बड़ी देर बाद फिजिकल वापस सेशन शुरू करे संगम टॉक्स के, इसको प्ले कर दीजिए यहाँ से. बहुत ही बढ़िया पावरफुल मोटिवेटिंग प्ले दबा दीजिए. आजाद चंद्रशेखर आजाद एंड ऑफ कोर्स द फाइनल जनरेशन व्हिच द प्रेडोमिनेंट द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर वाज नेताजी. सो दिस इज अ लॉन्ग सीरीज ऑफ रिवोल्यूशनरी लीडर्स to try and create a contest amongst who was the greatest of them is kya ho gaya are kuch wo shayad resolution voice change kar rahe the. Hello, myself Raviranjan Singh. One thing I'll like to bring to the notice, that is at the fag end of his life, Bhagat Singh was a kesadhari again. That's what I like to. This is the important question. So, which would you say the last generation of Indian resistors? There will be no last resistors till the end of time. We will resist and resist and resist. Yes. Thank you, Ashish. I would like to add, Rahul. अपना रिजिस्ट तो किया, वी विल डिफीट. वी बेटर हैव द डिटरमिनेशन टू डिफीट. रिजिस्ट तो सबने किया, मारे मारे गए. गुरु गोविंद सिंह भी कितना, उससे ज्यादा कौन. पिछले 75 साल में हमने बहुत कम कर दिया है मधु जी, बस ये बात है. तो अब हमारी रेजिस्टेंस हैज टू चेंज. रेजिस्टेंस नहीं चलेगी. आई थिंक कोएग्जिस्टेंस पे सवाल उठता है. I'm sorry, I'm going a bit far. I don't want to push my own views on you. You know, I have done all that. Maine itni zindagi barbaad ki. Ab utne wasted years, I don't want to waste one more minute trying to be goody-goody. I was just too goody-goody. And I wonder how our generation, future generations can be prepared to even resist if we remain goody-goody. तो डिफीट करना है तो जिनके साथ को एग्जिस्टेंस, वो कह रहे हैं तुमको डेसिमेट करना है. मैं कैसे उनको प्यार कर लूं? मैं कैसे नहीं, एग्जैक्टली मैं सिर्फ वो तभी हो सकता है इफ यू डिसओन द आइडियोलॉजी फुल स्टॉप. हाँ जी, उसके लिए उस आइडियोलॉजी की ओपनली बात करनी पड़ेगी. 90% को तो पता भी नहीं है कि भैया बोलते हैं नहीं नहीं हो ही नहीं सकता जी, ऐसा तुमने पढ़ी नहीं है कुरान. मैं कहता हूँ लो जी ये रहा Quran.com, आप इसको डोनेट भी करते हैं. तो हमारे को ओपनली ये बात करनी पड़ेगी. 90% को तो पता भी नहीं है. अब जब देखिए, कल का एग्जांपल मैं देता हूँ. नूफ अल मरवाई बहुत बढ़िया योगा टीचर हैं, सऊदी अरेबिया में रहती हैं. आई हैव इंटरव्यूड हर, है ना, नूफ अल मरवाई, ब्रिलियंट. शी इज़ अ वंडरफुल वुमन. एट व्हाटएवर 18-16 और समथिंग शी अडॉप्टेड योगा. And she's 36-40 something, and she's one of the premier yoga teachers in Saudi Arabia. Because of her Madhuji, Saudi Arabia ne yoga ko induct kiya as a sport, which is why now Saudi Muslims and expats living in Saudi Arabia are able to practice yoga, hatha yoga.
तो नूफ के साथ बात करते हुए मैंने ये प्रश्न उनसे पूछा था, हाउ डज दिस अकोमोडेट विद इस्लाम, एंड शी गेव मी एन आंसर विच वॉज ऑल प्लैटिट्यूड्स में एंड ऑल ऑफ दैट. अभी उन्होंने ना ट्वीट करा, बस दो दिन पहले की बात है, कि कोई सऊदी अरेबिया के मौलवी हैं, दो की डिबेट हो रही है, जिन्होंने क्लियरली बोला कि जी किसी फेस्टिवल में नॉन मुस्लिम्स को विश करना इज हराम. सो नूफ का ट्वीट मैंने देखा, उन्होंने लिखा हाउ रेडिकल इज दिस, दिस इज नॉट इवन ह्यूमैनिटी एंड ऑल ऑफ दैट. सी द प्रॉब्लम इज नूफ इज ट्राइंग टू क्रिएट अ वर्जन ऑफ इस्लाम विच इज इन लाइन विद हर वंडरफुल गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी इफ यू लाइक, बट दैट इज नॉट हाउ इट इज. That is not how it is. I need to be able to tell Noof, what are you talking about? This is how it is. You are trying to create a new version because you can't, you want to call them radical. The problem is that is what is the truth, which is what Anand Ranganathan every day from TV tries to tell us. That is the truth. You are trying to sugarcoat it. Nahi hai wo, nahi hai, nahi wo. We just have to openly, politely start talking about this. Openly, सबको. हमारे पास कुरान होनी चाहिए, हम निकाल के पूछे भैया ये क्या लिखा है यार मेरे बारे में. राहुल जी आपकी बात सही है, किंतु परंतु अगर आप कुरान से कोट करते हैं या प्रॉफिट की जिंदगी से कुछ भी कोट करते हैं with all the proper references and you just put it out on social media, आपको तुरंत ये चार्ज होगा, आप इस्लामोफोबिया फैला रहे. वो तो है. We are not even allowed. ऐसे मैंने तो मेरे ऊपर तो गाज गिर चुकी है, गाज गिर चुकी है. The fact of the matter is, एक तो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो जो जुबेर एंड ऑल्ट न्यूज और क्या, they run systematic campaigns to wipe you out of Twitter. And they've succeeded in wiping out. मैं बिल्कुल 100% agree करता हूँ. सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, प्लीज वी हैव टू सी, दिस इज व्हाई आई एम सेइंग द ओनली रीजन वी हैव टू डू इज सो दैट द गवर्नमेंट एंड द पीपल इन पावर लर्न टू टॉक अबाउट दिस. नथिंग विल चेंज अंटिल द स्टेट टेक्स ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग दैट द प्रॉब्लम इज इन द सोर्स. एंड आई एम होपिंग दैट समडे योगी जी एंड मोदी जी आर ओपनली एबल टू टॉक अबाउट दिस. That is what I grievously, sadly miss. इस बार के इलेक्शन में योगी जी ने एक ही वो बोले, जज्बा हिंद का बोला कुछ. But the issue is they have to be able to bring this up. Where are the values? आप कौन सी values से जी रहे हैं वो किसी को बोलना पड़ेगा. एक ऐसे स्टेज पर जहां पर करोड़ों लोग सुनते हैं, मीडिया सुनती है, मीडिया कहेगी ये क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अच्छा तब आएगा मोमेंटम कि अच्छा खोल के देखते हैं क्या लिखा है इसमें, फिर आएगी कॉन्टेक्स्ट की बात. ये हमारे आप बोलेंगे तो वही करेंगे, इस्लामोफोबिया है ये है, पीट देंगे, बिजनेस को थ्रेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रोज हमारी आवाज को दबाने का. दिस इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पीपल इन पावर, फ्रॉम योगी जी, फ्रॉम मोदी जी, अमित शाह, ये जो वहां पर बैठ कर ये बीटिंग अराउंड द बुश करते रहते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है. बिकॉज दे पुट अस एट रिस्क. They are not doing their responsibility of being in power, of being leaders of the nation, of the values of this country, of this civilization. They are doing injustice to us and to this civilization by not saying these things. Do they not understand? This I refuse to believe. If they do not understand, let's make a presentation to them. देखिए, सोते को तो कोई जगा सकता है, जगे हुए को जो भाग रहा है और भाग रहा है किसी के पीछे, उसको आप ना कहो मैं जगाने आई हूं तुम्हें. सबसे बड़ी बात, सबसे अभी के जमाने में सबसे इफेक्टिव चैलेंज किसी ने किया अंदर से, वो रिजवी साहब थे. इतना अच्छा मौका था. हाँ जी. मोदी सरकार ने कहां पहुंचाया रिजवी साहब को. बिल्कुल. ये तो माफ हो नहीं सकता. हाँ ये बिल्कुल. ये क्राइम है. This is crime against humanity. और मोदी सरकार या जिस भी सरकार ने या जिस भी पुलिस ने या जिसने भी जिसकी भी ये मिली भगत से आज रिजवी जेल में सड़ रहे हैं, ये बद्दुआएं देंगे हम सबकी, क्योंकि
एक व्यक्ति ने एक दरवाजा पहली बार खोला और आपने इतनी इतनी क्रूरता के साथ उसके गला दबा दिया। पर्सनल रिस्क सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया जिस बंदे ने। उसके ऊपर दसियों केस, ये था ये तो उसके ऊपर उल्टे सीधे डेफामेशन शुरू कर दिए। वो जैसा भी था जो उसने शुरू किया प्रोसेस, उसको आपने क्रैक डाउन क्यों किया? तो फोर्सेस बिहाइंड चोकिंग हिंदू वॉइसेस इस वक्त तो उस टॉप में, क्योंकि वही वॉइस है कि पालघर साधु की लिंचिंग पे नहीं बोलना, अखलाक की लिंचिंग पे रोने लग जाना है, करोड़ों रुपया न्योछावर कर देना है, तो सवाल। और या जैसे आईसी स्टाइल किलिंग भी हुई कमलेश्वर की, कमलेश तिवारी की, एक शब्द नहीं आता। तो अगर ये स्टेट मशीनरी खड़ी हो जाए उतनी भी जितनी आज योगी है यूपी में, कम से कम वहां इतनी दहशत का माहौल नहीं है जहां जितना हिंदू जी, मगर मगर योगी जी का भी करके यू विल ओनली इंप्लीमेंट लॉ एंड ऑर्डर, फेयर इनफ। आप क्राइम बंद कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर, लड़कियों को छेड़ा नहीं जाएगा, ये सब नहीं होगा, लाउड स्पीकर जोर जोर से चिल्लाएंगे नहीं, वो सब हो जाएगा। बट सी द प्रॉब्लम इज द स्टेट इटसेल्फ, राइट? व्हाट इज द वैल्यूज दैट द स्टेट इज फॉलोइंग? दोज वैल्यूज आर ऑफ समथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अ लॉ दे हैव मेड, which actually is apart, which is India is an apartheid nation, like Nageswar Rao ji keeps saying, and that is true. So I mean, within the constitution us sab ko chhod do, values ki baat kar lo, mujhe nahi pata wo kya religion ya jo bhi unko rakhna hai kare, constitution ka matter is a very long battle, but please talk it's about it's not religion. A long battle, it's not a long battle. Congress party ne 100 से ज्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़खानी की, बलात्कार भी किया कई बार, एंड दे गेट अवे विद इवन रेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिंगिंग इन क्लॉजेस दैट आर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, दैट गो अगेंस्ट द कोर वैल्यूज ऑफ द दे गेट अवे विद इट। यहाँ पे हम कह रहे हैं इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन थिंग। कोई क्या लॉन्ग ड्रॉन है कि वो आर्टिकल 25 से 30 को कूड़े की टोकरी में फेंको है, बस जो भी हाँ, मैं इट इज कहे तो एक दिन का काम है, एक सेशन का काम है खत्म करने का। वो अब टेंपल्स तो फ्री नहीं हो रहे हमसे, टेंपल्स फ्री कर दें, हमारा पैसा हमें दे दें वापस, देखिए हम रेवोल्यूशन लाएंगे देश में, वो भी वहां भी हाथ बांध देंगे। हेलो जो एसजीपीसी में किया ना, अकाली घुस गए, कांग्रेसी घुस गए, एसजीपीसी का बेड़ा गर्क, वो तो इंडिपेंडेंट है, वो सरकार के अधीन नहीं है। यू सी द पॉइंट इज इफ यू कैन नॉट कीप पॉलिटिशियंस, द डर्टी पॉज ऑफ पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स आउट ऑफ योर इंस्टीट्यूशंस, तो एसजीपीसी जैसा हाल हो जाएगा। वो आप देखें ना कैसे कैसे लोग पाल रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, और खालिस्तान ही पाल रहे हैं। जो आपने बोला ना गवर्नमेंट का फ्री करना और फिर समाज उनको चला पाए, कीपिंग पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स आउट, दैट रियली इज द बिग चैलेंज राहुल जी। बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री, मतलब यही तो मैं बोल रहा हूँ, हमारे टेंपल्स हमारे गवर्नमेंट से निकाले। तो ये जो बस मेरा यही सबसे बड़ा दुख है, एंड आई गेस इफ यू आर ओके वी विल एंड विद दिस, कि फाइनली दे हैव टू स्पीक अप। आनंद रंगनाथन बोलता रहता है बेचारा एट व्हाट ग्रेट रिस्क। आज से मुझे याद है हम IGNCA का सेशन हुआ था, वहां पर आनंद ने पहली बात कहा था कि देर इज नो गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम, एंड ही सेड इट सो ब्यूटिफुली, एंड आई थॉट कि आई आस्क्ड हिम लेटर, आनंद कैन यू मेक दिस रिकॉर्डिंग, एंड ही सेड आर यू मैड, यू डू वांट टू गेट मी किल्ड। ये आज से बस 4 या 5 साल पहले की बात होगी, 4 साल पहले की। आज देखिए आनंद रोज टीवी पे कुरान को कोट कोट कर करके रोता है, एट व्हाट ग्रेट रिस्क। I mean, he knows probably that he keeps saying, I will be killed. But luckily, Anand is the only one who is not getting hate mail. Luckily for us, he's been spared. Let bless him indeed with the long life and be safe. He's the only one. But aap dekhiye na, Rachit ko bandi kar diya. Kya karta tha? Usne to koi aisi abhadra baat ki nahi thi. तीन बार उसका शायद आनंद की इतनी सोशल मीडिया पावर इतनी हो गई है दैट
they know that they can't touch him. No, he's probably come with better stars. Yeah. Ye bhi hota hai. Ye, I think he's just born with good stars that, and also because he's linked to Lutyens' elite. See, he emanates from there. So, ek wo protective layer ho jati hai. Jo freedom, even to dissent, they can give to one of their own. Wo jo outsider hai, usko nahi denge. Aur us sense mein, Rachit Kaushik was an outsider. Bhale hi angrezi bol sakta hai, wo nahi. But Anand has a certain immunity because of that. Of course, he's so effective. He does his homework. I think the lesson to learn from Anand is that he does his homework so well. Ek-ek shabd uska likha hota hai. Jab wo dhai minute ka time leta hai na, usne ek-ek shabd uski screen pe chal raha hota hai. There's not a loose word. There's not a loose sentence because he's prepared it in advance. And he will not let anybody deviate him from the script. Itni tayari uski minute hoti hai. I've rarely seen people use television more effectively because he actually crafts every sentence in advance and he has a computer screen from which he's reading at breakneck speed. Lightning speed also. Lightning speed. So, wo tayari and of course good stars. Good brain, good stars and good connections. Because if you're part of Lutyens and you've not really rejected them in the way that some others have, So may he live long, may he continue to be as effective, no doubt about it. He's very smart and astute. And the other thing you see, and that's something we all need to learn from. He came into public domain with these debates with Ambedkar quote. Gandhi ko juta, Ambedkar as a protective shield. That to me was a master stroke. Ye M.A. Amitra ko master stroke kehte rehte hain. I think Anand se seekhna chahiye. But Brahmin hai, Tanbram hai. To kitna bada master stroke hai usne. Ambedkar ko apni uski chhatri chhaya mein aap baith jao. Ab kya kahenge aapko? Kya kahenge? Gandhi ko aap gaali de rahe ho. Aur khul ke de rahe ho. To ab bahut se log phir niruttar ho jate hain. So he's really sharp and lucky, both. God bless him. Baki, ab yehi Anand se hopefully seek ke the people in power, the powers that be, they have to learn and start talking about such things openly. Nahi to, I mean, no matter what, you, me, all the YouTube channels, great people like Neeraj ji, Sanjay ji, sab jo kar rahe hain kaam. Mujhe lagta hai, Neeraj ji, of course, you know, I love his poker face. Aap kehte ho, wo pyar se baat karte hain. I think I love Neeraj Jati's poker face. Kuch bhi keh dete hain. With that very, you know, it's like a kabuki mask, he wears that. Brilliant, brilliant. That's another brilliant strategy. Aur dusri taraf, hamare Tufail sahab, wo unka andaaze bayaan hi mazedar hai. Wo bhigo bhigo ki jutiyan maarte hain, par andaaze bayaan itna haseen hai. Teesri taraf Shankar Sharan ji. I think he's also played a very important role in meri sabse pehle sari ki sari orientation sab is to all I owe it all to Shankar ji. Haan, dekhiye na, par unka bhi hai ki adhyan hai mape tule shabdon mein badi se badi baat keh jate hain par shabd hamesha aise honge ki koi apattijanak nahi keh sakta unko. Aur phir Sanjay Dixit has invented another style. Wo to chhatholiyan bhi karte hain aur maskari bhi kar lete hain. To you know each but, one is coming up. Yes, but finally we have only our so much reach. So finally I think we have to pin responsibility on Modi ji, Yogi ji, Amit Shah, all of these people in power. They have Absolutely. To start speaking about the values of the religion of Islam itself and the source of where it comes from. Manduji, if you're okay. Yes, go. Thank you very much. I enjoyed your insights and I mean, there's nothing one can disagree with.
accept that, as I said, I want the right to hate evil. I want the right to defend myself from evil. Uske bagair meri astitv hi vilupt ho jayegi. Agar main usse barabari ki ladai karne ki kshamata mein nahi hu aur resist nahi. Haan. Defeat. We have to find ways. नहीं तो ठीक है, रेजिस्ट करते करते मर जाएंगे जैसे बड़े बड़े योद्धा मर गए. पर ये लड़ाई उन्हीं की वजह से है जी, उन्हीं की वजह से हम बचे हुए हैं. इफ यू आर अलाइव, हमारे एंसेस्टर्स ने रेजिस्ट किया और उनका ऋण हमें सबको पे करना है टू टेक द बैटल टू द नेक्स्ट इन ऑर्डर टू नॉट जस्ट रेजिस्ट बट आल्सो डिफीट दीस फोर्सेस. Thank you, Rahulji. Thank you very much for your time. We'll have you come often, more often. आप हमेशा hesitant होते हो, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे आपको coax करना ही पड़ेगा to get you to speak more often on our platform. Thank you, viewers. Since there's no, I haven't seen any super chat, तो आपके comments तो मैं देखती रही हूँ, बहुत सारे हैं, अच्छे. Some of you are so much brighter than me who's presenting the show. एक मिनट में पकड़ते, इतनी सी एक कॉमा की गलती हो जाए तुरंत चिपकाते हैं हमारे सभी ये जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं. एक इतनी सी गलती नहीं, यू कांट गेट अवे विद इट. सो थैंक यू फॉर बीइंग सच एन अलर्ट ऑडियंस एंड थैंक यू एवरीवन. इन्हीं शब्दों के साथ राहुल जी आपका धन्यवाद, व्यूअर्स आपका धन्यवाद. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. And send me your feedback at editor@manushi-india.org. Shubh Ratri, Vande Mataram. Namaste, Vande Mataram.